जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर। डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शंस जीत चुके हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर अगर वो जीत रहे उससे हमें क्या करना, हम तो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, इंडियन कंपनीज को उनसे क्या लेना देना, जबकि अब यूके के इलेक्शंस, चाइना के इलेक्शंस, जापान के इलेक्शंस पे हम दिमाग नहीं लगाते। बट अमेरिकन मार्केट से वर्ल्ड मार्केट को फर्क पड़ता है और इंडियन मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहले थे उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, उन्होंने किस तरह से दूसरी कंट्रीज के साथ बिहेव रखा और साथ ही साथ यूएस चाइना में उन्होंने क्या किया, वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी ट्रेड वॉर की, उस समय क्या सिचुएशन थी, ये सारी चीजें हम इस डिस्कशन में करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज, यूएस चाइना सैंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। ये मैटर इंपॉर्टेंट क्यों है और उसका इंपॉर्टेंस आप चाइना के मार्केट से आज देख सकते हो। आज वर्ल्ड मार्केट हर जगह बढ़ा हुआ था, हांगकांग और चाइना के मार्केट्स ही गिरे हुए थे, उसके अलावा सारे मार्केट्स बढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप साहब आ गए, चाइना के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज हमें समझना जरूरी है कि यूएस चाइना सैंक्शन से एग्जैक्टली वर्ल्ड में क्या होगा। सबसे पहली चीज, अगर यूएस ने वापस चाइना पे सैंक्शंस लगाए, और क्योंकि चाइना से उनकी इतनी यारी दोस्ती है नहीं, और अगर क्योंकि उनकी यारी दोस्ती नहीं है तो वो अपने हिसाब से उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे, चाइना की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगे। ये चीज अगर उन्होंने करी तो ऑटोमेटिकली चाइना में वापस प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, वापस रिसेशन की कहानी शुरू होगी। अगर आप ध्यान से स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं तो 2016-17-18 के टाइम पर जब यूएस ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तब चाइना एक अलग ही लेवल की ग्रोथ पे था, और उसके बाद ग्रोथ लेवल नीचे आया। वो तो अलग बात है कि 2020 में कोविड आ गया, उसके बाद तो वर्ल्ड मार्केट ही नीचे आया, बट एट द एंड यूएस के सैंक्शन से चाइना को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। अगर ये चीज वापस होती है तो अभी वापस चाइना बढ़ रहा था ना, चाइना की ग्रोथ अच्छी खासी हो रही थी, वो ग्रोथ पे फिर क्वेश्चन आएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है यूएस चाइना इशू का। इसके अलावा इसराइल ईरान वॉर के समय जब यहां पर इसराइल पर डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे, उन्होंने इसराइल में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनफैक्ट स्पीच में रादर, वहां पर खुला जाके बोल दिया था कि इसराइल तुम्हारा नक्शा छोटा है, तुम्हारा नक्शा हम बढ़ाएंगे। दैट मींस इसराइल का एरिया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर तुम इसराइल का एरिया बढ़ाने की बात कर रहे हो, मतलब वहां पे वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते जाएंगे ना वो, क्योंकि इसराइल का एरिया अगर एक्सपैंड करना है तो पैलेस्टीन, इनफैक्ट जहां पे गाजा स्ट्रिप है, उन सबको एक्वायर करने की बात करेंगे, इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज को भी एक्वायर करने की बात करेंगे, कंट्रीज के एरिया रादर, तो वहां पे अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब क्या उनका अभी भी जो कहना है कि हम इसराइल का नक्शा बड़ा करना चाहते हैं, अगर वैसा ही रहा तो अनरेस्ट के मामले वापस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन रशिया में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर वापस आए हैं तो यहां पर भी कुछ नई कड़ियां तो जुड़ेंगी। क्या ये यूक्रेन को वापस सपोर्ट करेंगे रशिया के अगेंस्ट, और क्या वापस यूक्रेन को वेपन सप्लाई किए जाएंगे, क्या इसराइल को अच्छे से वेपन सप्लाई किए जाएंगे, क्या इसराइल को फंडिंग की जाएगी, ये बहुत ज्यादा मैटर है जो कि इंपॉर्टेंट है। ईरान के कितने अगेंस्ट है वो, और ईरान के कितने अगेंस्ट क्या कितने स्टेप्स ले सकते हैं, ये सारी चीजें जियोपॉलिटिकली हमें ध्यान देनी है, क्योंकि मार्केट को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। अगर यहां पर कुछ इंपैक्ट पड़ा, जैसे अभी इसराइल ईरान का वॉर हुआ, हमारा मार्केट गिरा ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती जाती है तो क्या हमारे मार्केट्स पे भी खतरा आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एनर्जी इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं, उनको ग्रीन एनर्जी विंड एनर्जी से ज्यादा मतलब नहीं है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो वहां पर जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स होंगे वो ज्यादा चलेंगे, इसकी अब मेरे को थोड़ी उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने ज्यादा एनर्जी ओरिएंटेड नहीं है। तो फिर क्या ओरिएंटेड है, क्या चलना चाहिए, तो वहां पे क्योंकि ये रियल स्टेट के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा, रियल स्टेट के ऊपर। रियल स्टेट के अगर ऊपर उन्होंने फोकस किया तो नेक्स्ट थिंग, रियल स्टेट को खरीदोगे कैसे, आज की तारीख में कोई पूरा पैसा देकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है क्या, लोन लेते हैं, दैट मींस बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव बात है। अब बैंक्स की जब मैंने बात कर दी है तो यूएस में भी फेड रेट्स घटने की बात होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में क्या फेड रेट्स तेजी से घटेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट्स तेजी से घटेंगे, ये एक पूरी कहानी, अगर इसको आप ध्यान से समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि पूरी कहानी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए, क्योंकि रियल स्टेट पे ज्यादा फोकस है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि लोग बोरोइंग ज्यादा करेंगे, बोरोइंग करेंगे, और अभी के टाइम पे लोगों से प्रमोशन भी करना है, लोगों का भला भी करना है, तो बोरोइंग के लिए वो ब्याज दरें कम कर देंगे। आपने रियल स्टेट की ब्याज दरें करी, मतलब ओवरऑल आपको ब्याज दरें कम करनी पड़ेगी,
ब्याज दर अगर कम हुई, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, तो क्या होगा? फ्री मनी घूमेगा, मतलब मार्केट में जो आपको लोन मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है। सस्ता लोन अगर मिला तो मार्केट में, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ते जाएगा। और इतिहास गवा रहा है, जब भी मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई दर बढ़ती है। अब ये जो सर्कल है वो किस तरह से चलेगा, ये बहुत ही एक्साइटिंग है देखना। पहली चीज, एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस टाइकून है तो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे सेक्टर्स है जिनके ऊपर बहुत ही खासा ध्यान रखना है। बट अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स कम कर दूं, और इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद में अगर मार्केट में ज्यादा मनी फ्लो हो गया, और मनी फ्लो हो गया तो वहां पे ब्याज इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट? अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड और सिल्वर के रेट्स भी बढ़ेंगे। और अगर गोल्ड और सिल्वर के रेट्स बढ़ते गए, दैट मींस आज की तारीख में क्या हम गोल्ड और सिल्वर इस भाव पे भी खरीदे जा सकते हैं क्या? आंसर इज येस। आई एम नॉट सेइंग गो एंड बाय, बट लॉजिकली स्पीकिंग गोल्ड और सिल्वर के भी भाव यहां से बढ़ने तो चाहिए। और अगर गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, तो एक और चीज चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्रिप्टो करेंसी के लिए काफी प्रो माने जाते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी में उनका रुझान ज्यादा है, बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए आज 10% बढ़ा है बिटकॉइन। और जैसे ही मैं बिटकॉइन की बात करूं तो एक और कॉइन चलता है जिसको डीओजीई कॉइन, डोजी कॉइन बोलते हैं, कोई इसको डॉगी कॉइन बोलता है, कोई इसको डोजी कॉइन बोलता है, डोजी कॉइन। इन दोनों के ऊपर नजर रखिएगा अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टर हैं तो, या क्रिप्टो में आप ट्रेड करते तो। मैं नहीं करता हूं ना, मैं सलाह देता हूं, बट क्योंकि उसका इंपैक्ट क्रिप्टो पे पड़ेगा तो मेरा बताना जरूरी है। अब क्योंकि क्रिप्टो की बात कर ली हमने, तो यहां से इलॉन मस्क जुड़ेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क जिस हिसाब से अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने सपोर्ट किया है, काबिले तारीफ है भाई। उन्होंने ट्विटर खरीद के, ट्विटर में जितनी भी मार्केटिंग करी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो अमेजिंग है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के रिश्ते अच्छे हैं। टेस्ला का भाव 10% इसीलिए ही बढ़ा हुआ है। जैसे हमारे यहां पर ऐसा बोला जाता था कि अगर मोदी जी आएंगे तो अदानी के ग्रुप के जितने भी शेयर्स होंगे वो जबरदस्त बढ़ेंगे, तो वहां पर मोदी जी अगर आए हैं तो इलॉन मस्क अदानी है, और इनका इंपैक्ट तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉपुलेशन जहां पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक फोकस है कि उनको इमिग्रेंट ज्यादा पसंद नहीं है, मेक्सिको से जो आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, वो चाहते हैं कि यार हमारी कंट्री में हमारे लोग हों जिनको ज्यादा जॉब्स मिले। तो क्योंकि वो इमिग्रेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, और इमिग्रेंट्स जहां पर मेजोरिटी रहते हैं वहां पे कमला हैरिस जी जीती हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्या इससे इंडियंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, इंडियंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ी सी सख्ती मुझे लगता है बढ़ेगी, बट क्योंकि मोदी जी के काफी घनिष्ठ रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ऑटोमेटिकली इस पे भी मुझे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते दिखता। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे वीजा रिजेक्ट होने लग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, एज ऑफ नाउ तो ऐसा नहीं होगा, तो इसके ऊपर इतना लोड लेने की बात नहीं है। इमिग्रेंट्स के लिए इतनी पॉजिटिव बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि इमिग्रेंट्स को बाहर भगा देंगे। उनको मेक्सिको से ज्यादा इशू है, इंडियन से ज्यादा इशू नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से मार्केट क्या बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्या मार्केट नए लाइफ हाइज बनाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल बनाने की कोशिश करेगा। क्या मैं यहां से पॉजिटिव हूं मार्केट को लेके? यस बिल्कुल हूं। तो क्या यहां पे कल खरीद लें? नहीं, आपको थोड़े थोड़ा खरीदो, बट बाय ऑन डिप्स करते जाना। बाय ऑन डिप्स का मतलब सिंपल है, जैसे आपको डिप मिले, क्योंकि देखो मार्केट है अभी, आज तो एक्साइटमेंट में भरपूर बढ़ा है, कल अगर गिर गया तो उस समय आपके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, आईटी कंपनीज, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आईटी कंपनीज के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आईटी कंपनीज इस साल इतनी नहीं चली है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आईटी कंपनीज आर गुड, बैंकिंग आर गुड, तो इंडिया मार्केट तो फिर चल ही गया ना यार, अगर ये दोनों सेक्टर अच्छे से चल गए तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। तो यहां पर हमें समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है, साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट के लिए भी है, चाइना ईरान इन सबको छोड़ दे तो, इवन रशिया को छोड़ दे तो, बट इसके अलावा आपको बहुत जगह अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक रुझान क्रिएट हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो देखो अब क्या होता है, अब क्या होगा वो हमें भी देखना पड़ेगा। एकदम से पूरी तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में रखना है, ताकि थोड़ा कैश हमारे पास पड़ा रहे, जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए हमारे पास पैसा पड़ा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।